Hey guys, this is Prakash, come again with another video on our YouTube channel Knowledge with Prakash. तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले और सीखने वाले हैं Paytm Money App के बारे में. तो Paytm Money App क्या है और आपको इससे किस तरह इनकम जनरेट होगी, आप किस तरह इससे पैसे जनरेट कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे. तो दोस्तों Paytm Money App एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो. Paytm Money App के थ्रू अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट ये है कि आपको कोई भी कमीशन नहीं देनी है. साथ ही आप कोई भी स्कीम खरीदते हो तो आपको कोई भी परचेज या फिर सेल करते हो तो कोई भी सेल कमीशन नहीं देनी है. ये बिल्कुल ही फ्री है, 0% कमीशन. साथ ही आप इसमें 100 रुपए की SIP के साथ भी शुरुआत कर सकते हो. अब ये SIP क्या होती है, जैसा कि अगर आप नहीं जानते हो तो SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके थ्रू आप मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट तय करते हो और आप मंथली वो अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो. ये सबसे अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए. अब बात करते हैं कि आप इस ऐप के थ्रू कैसे ये सारे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो या सेल कर सकते हो. सबसे पहले आपको ये Paytm Money App डाउनलोड करनी होती है प्ले स्टोर में जाके. तो अब इस के लिए चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे और कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे. इस मोबाइल स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हर एक प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप आपकी छूटनी नहीं चाहिए. और अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर डालें और मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँ. दोस्तों Paytm के हमें Paytm Money App डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो प्ले स्टोर में जाके हमें Paytm Money App सर्च करना है और उसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है. Paytm Money सर्च करते ही देखिए हमारे सामने ऐप आ चुका है और हम इसे अब डाउनलोड कर लेते हैं. डाउनलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और हमें इसे सिंपली ओपन करना है. अगर आपने Paytm पे अकाउंट बनाया है तो आपको सिर्फ इसे लॉगिन करना है. तो देखिए जैसे हमने आ गया Paytm Money का इंटरफेस, इसमें स्लाइड आएगी, आपको नेक्स्ट करते जाना है और गेट स्टार्ट लास्ट स्लाइड में गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है. तो नेक्स्ट करते करते देखिए हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं. गेट स्टार्ट पर क्लिक करते ही हमें लॉगिन करना है. अगर हमारे पास नहीं है तो हम साइन अप करते हैं अकाउंट बनाने के लिए. सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं. मोबाइल नंबर डालने के बाद हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमारा अकाउंट ओपन होगा. पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, यानी यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टर देना है, 1 लेटर होना चाहिए और 1 स्पेशल वर्ड होना चाहिए, स्पेशल सिंबल. अब अपना ईमेल आईडी डालें, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, और साइन अप कर लें, इसे अलाउ कर लें. साइन अप करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है. इसके बाद आपको ये OTP आएगा, आपको बस ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगी. OTP आने के बाद आपको इंटर नहीं करना है. यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है. इतना करते ही आपकी अकाउंट क्रिएट हो जाएगी. यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें, यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लें और साइन अप कर लें. साइन अप आपका कंप्लीट हो चुका है. अब अप्लाई फॉर एक्सेस पर क्लिक करें. अप्लाई फॉर एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करें आई वांट फास्टेस्ट एक्सेस. यहाँ पे आपको सारी फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी. सबसे पहले देखिए चेक नाउ में अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालें और एरो के बटन पर क्लिक करें. सिंपली यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर फिलअप करें. जैसे कि मैं देखिए अपने पैन कार्ड का नंबर फिलअप करता हूँ और यहाँ पर सिंपली एरो पे क्लिक कर देता हूँ. एरो पे क्लिक करते ही ये हमारा पैन कार्ड वेरीफाई करेगा और ये देखिए हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो रहा है. वेरीफाई होते ही आपको अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है अपने फ़ोन से खींच के, इसे अलाउ कर लें. अपलोड पैन कार्ड फोटो, टेक फोटो करें और अलाउ करने के बाद अपना एक मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको बस अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करना है. क्लिक करते ही इसे सेव करें और इसे सिंपली क्रॉप कर लें. और क्रॉप करने के बाद आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं सीधा ही, तो कोई दिक्कत नहीं. आप इसे सिंपली डन कर लें और ये अपलोड हो जाएगा. अपलोड होते ही आप इसे नेक्स्ट करें. नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए हमारा पैन कार्ड अपलोड ले रहा है और ये पैन कार्ड अपलोड हो गया. अब हमें यहाँ पे सिंपली अब
पैन कार्ड के बाद नीचे नेक्स्ट पर्सनल डिटेल पर ऐड करना है। पर्सनल डिटेल ओपन हो रहा है, यहाँ पे हमें अपना नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर इंटर कर लें। सेकेंड में हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, मैरिड और अनसिंगल भी डालना है, प्रोफेशन चूज करना है आप किस प्रोफेशन में है। यहाँ मैंने देखिए ये डेट ऑफ बर्थ हमारा हो गया, मेल फीमेल में आप सेलेक्ट कर लें, सिंगल मैरिड भी सिलेक्ट कर लें। सर्विसेज आप कौन से, मैं सिंपली स्टूडेंट क्लिक करता हूँ। फादर्स नेम डालनी है, मदर्स नेम डालनी है और इसे सेव कर देनी है। मदर्स नेम फिलअप करें, उसके बाद आप इसे सेव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है सिग्नेचर का, तो मतलब इसे सेव करने के बाद आप सिग्नेचर पर क्लिक करें। सिग्नेचर आप दो तरीके से, या तो आप साइन अपलोड कर सकते हो कैमरे से, या फिर स्क्रीन में ही कर सकते हो, तो मैं स्क्रीन पे ही करता हूँ। अब ये देखिए जैसे ही आप स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे आपको बस अपने फिंगर से स्क्रीन पे अपना साइन, जिस तरह आप साइन करते हैं बस साइन कर देना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा और फिर इसे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आप इसे क्लिक कर सकते हो या फिर सिंपली सेलेक्ट भी कर सकते हो, सेलेक्ट या टैग फोटो दोनों में आप कुछ एक कर सकते हो। जो आपके पास फोटो आप उसे खींच भी सकते हो या फिर आप पहले के फोटो को भी अपलोड कर सकते हो। फोटो आप देख लीजिए करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। फिर आप इन पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिसमें आपको जो आपके पैन कार्ड पे नेम है उसे सिर्फ सिंपली बोलना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वीडियो दिया हुआ है जिसे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो में आपको सिर्फ अपना नाम बताना है, एक वीडियो शूट करके बस और इसे अपलोड कर देनी है। रिकॉर्ड वीडियो में आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ ऐड करनी है। यहाँ पे अपने एड्रेस प्रूफ में आप अपना एड्रेस डाल दें, पिन कोड है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और सिटी है, साथ ही अपना एड्रेस डालने के बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। आप इसे टेक फोटो करके क्लिक करें, फ्रंट और बैक दो फोटो क्लिक करने के बाद इसे आप सेव करके सबमिट कर दें। उसका नेक्स्ट आपको आती है नॉमिनी, नॉमिनी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आई वांट टू ऐड नॉमिनी पर क्लिक करें, अपने जिसे भी आप डालना चाहते हैं उसके रिलेशन सेलेक्ट करें, नेम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और इसे सेव कर दें। इतना करते ही आपकी नॉमिनी ऐड हो जाएगी। नॉमिनी ऐड करने के बाद आप अपने इनकम सेलेक्ट करें, आपकी इनकम कितनी है, उसके बाद आपको से सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आती है कम्युनिकेशन डिटेल, इसमें आपको सिर्फ अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है और इसे सिंपली सेव कर देनी है, जिससे आपको मेल आती रहे। और लास्ट है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। सबसे पहले आप अकाउंट नंबर डाल लें, फिर रेंटर अकाउंट नंबर यानी अकाउंट नंबर को फिर से डालनी और IFSC कोड ये सारी आपको फिलअप करनी है। इसे आप जैसे ही फिलअप करेंगे आपके अकाउंट में 1 rupees Paytm की तरफ से ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे आपका अकाउंट नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपके अकाउंट में 1 rupee आती है, आपको अपनी अकाउंट की या तो स्टेटमेंट या फिर कैंसिल चेक की एक फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करनी है। HDFC बैंक के मैंने IFSC कोड यहाँ पर डाल दी, अकाउंट नंबर डाल दी और इसे सेव किया। अब देखिए हमारे मेरे अकाउंट में 1 rupee ट्रांसफ़र होंगे। ये देखिए वेरीफाइड योर अकाउंट नंबर, 1 rupee मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे और ये वेरीफाई हो गया। अब हमें यहाँ कैंसिल चेक या फिर अकाउंट स्टेटमेंट की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है और इसे सबमिट कर देनी है। कैमरा ओपन हो गया, आपको यहाँ पर कैंसिल चेक या अकाउंट स्टेटमेंट का फ़ोटो क्लिक करके आप इसे अपलोड कर दें और इसे सबमिट कर दें। इसके बाद आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, देखिए ये सारे मैंने सबमिट कर दिया। ये देखिए पैन कार्ड भी हो गया है, फ़ोटो भी इसकी अपलोड कर दिया। नेक्स्ट में पर्सनल डिटेल भी सारा हो चुका है, फ़ोटो इन पर्सनल वेरिफिकेशन, पर्सनल प्रोफाइल सब में ग्रीन साइन हो चुकी है। अब ये आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, साथ ही ये अब प्रोसेस पे है दोस्तों, प्रोग्रेस पर है। जब हमारा KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा, हमने सारा फिलअप कर दिया है। अब हमारा जब KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हमारे सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिससे हम किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताने वाला हूँ कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी
म्यूचुअल फंड को खरीद के और सेल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है और कैसे आपको सेल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो दोस्तों। गुड बाय।